अगर खाने में नमक ना हो तो स्वाद बेस्वाद हो जाता है। नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, इसके उपायों से दुर्भाग्य को भी दूर किया जा सकता है। नमक से जुड़ी कई मान्यताएं भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित प्रफुल्ल भट्ट के अनुसार नमक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान न रखा जाए तो कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। जानिए नमक से जुड़े कुछ उपाय और पुरानी मान्यताएं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नमक का दान करने से बुरा समय दूर हो सकता है और श्रेष्ठ भोजन की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, कभी भी नमक दान में नहीं लेना चाहिए। इसका दान केवल जरूरतमंद और ब्राह्मण स्वीकार कर सकते हैं। शेष लोगों को इसका दान लेने से बचना चाहिए। नमक का कभी अपव्यय ना करें। साथ ही सूर्यास्त के बाद अपने घर से किसी को नमक नहीं देना चाहिए। ये है नमक के कुछ खास उपाय। एक कटोरी में साबुत नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। महीने में एक बार इस नमक को बदल देना चाहिए। नमक में नकारात्मकता ग्रहण करने की क्षमता होती है और इस उपाय से घर में सकारात्मकता बढ़ती है। खड़े यानी कि साबुत नमक का टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं होती। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत नमक मिला लेना चाहिए। एशियानेट न्यूज़ हिंदी की रिपोर्ट।